चलिए अनमोल, हेलो जय जिनेन्द्र। हेलो जय जिनेन। ए ब्रिजमोहन गुप्ता जी का मैसेज जो निधि गुप्ता जी टाइप कर रही हैं, इनको के लिए कंटिन्यू करना है क्या? एक व्हाट्सएप में मैसेज कर दें हमको, तो हम लोग उसको 21 दिन वाली लिस्ट में नाम डाल लेंगे। निधि गुप्ता, ठीक है, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो हम उनको 21 दिनों की लिस्ट में डाल लेंगे। बार बार पर डे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। फिर जब लो शांतिनाथ भगवान की जय, जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो बुद्धायाणम, नमो लोए शब्द शाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो शब्द पावक प्रणाशनो मंगलाणम चा सब्बेतिम पड़म हवई मंगलम, पड़म हवई मंगलम। चलिए पूरी एकाग्रता के साथ अपने भावों को कनेक्ट करिए और आज हमारे 45th श्लोका का चौथा दिन, फोर्थ डे, खुद की बात खुद के साथ कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम लोग को लेके चल रहे हैं। तो आज उसका चौथा दिन, 45th श्लोका का अनुष्ठान, पम बीजाक्षर का जाप और खुद की बात खुद के साथ और म्यूजिकल भक्ति, इस प्रकार चार पार्ट हैं इस अनुष्ठान के। चार पार्ट, पहले हम लोग शांति धारा अभिषेक करेंगे, फिर हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग लेंगे भक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से, और थर्ड में हम स्वाध्याय करेंगे, और फोर्थ नंबर में समय रहा तो म्यूजिकल भक्ति, और फिफ्थ नंबर पे एक्सपीरियंस। इस प्रकार हम लोग इसको चार पार्ट में बांट के चल रहे हैं और सभी लोगों अपने अपने, सभी का अपना अपना महत्व है, जिसको जो अंगीकार करना है वो अंगीकार करे। चलिए चलते हैं हमारे अभिषेक और शांति धारा की ओर। जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मन की एकाग्रता बनाएंगे, मंदिर जी में जाके बैठ जाएंगे, कल्पना करेंगे उन मंदिर जी की जहां आप नित्य दर्शन के लिए जाते थे। सब कुछ दिखता है, आप पास्ट में जाइए थोड़ा सा, और जो नहीं जा सकते सामने देखते हैं तो बेजापुर के मंदिर के दर्शन करें और अभिषेक की ओर कंसंट्रेट हों। इन्हीं भावनाओं के साथ द्रव्य अनल्प गण चतुरा समादे रामोदासित समस्त दिगंत राले मिश्री कृतेन पैसा जिन पोंग मानम त्रैलोक पावन महम स्मनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम रथवादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंश तीर्थंकर परम देव मध्यनामादे जम्बुदीपे भरतक्षेत्रे आरखंडे भरतक्षेत्रे महाराज पंते बेजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे
तिथि चतुर्थ्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमी नमः। दूरा मनम्र सुरनाथ किरीट कोटी संलग्न रत्न किरणा च विघूत राग्रिम प्रस्वेद ताप मल मुक्तिमपि प्रकष्टैर् भक्त्या जलै जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल सन्तं कृतवादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आद्यनामादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यकंडे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि चतुर्थ्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आर्यका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमी नमः। सुगंधि जलाभिषेक करोमी नमः नमः। इष्टै मनोरथ सतैरि विभव पुंस पुनै सुवर्ण कलशैनिकलावसानम् संसार सागर विलांगन हेतु सेतु मपला पये त्रभुनेक पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम ब्रजवासी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आद्यनामादि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यकंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि चतुर्थ्याम दिन शुक्रवासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमी नमः नमः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्घ लई धबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम नीम श्रीम क्लीम त्रिभुवन पते अभिषेक उपरांते चतुष्कलश अभिषेक उपरांते अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निरपामिति स्वाहा अर्घम निरपामिति स्वाहा। चलिए चलते हैं शांति धारा की ओर। शांति पाने के लिए शांति प्राप्त करने के लिए भावों में निर्मलता लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पण भाव समर्पित भाव के साथ हम शांति धारा करेंगे और भगवान के चरणों में अपनी सभी परेशानियां रख देंगे कि भगवान हम कौन होते हैं करने वाले, हम तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे, बाकी सब कुछ आपको ही करना है, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे कार्य करते जाएंगे, जो पहले हमारे कार्य हो गए हैं उनके लिए हम बारंबार क्षमा मांगते हैं। आज की शांति धारा में सभी लोग ऐसे ही भाव मनाएंगे, पूर्व के कर्म जो हो गए हैं उनके लिए बारंबार क्षमा मांगिए और निगेटिव कर्मों से हमको छुटकारा मिले, उनमें मंदता आए, ऐसी भावना भाके आज की शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थि तंग्राय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय
अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणी धनेन फला मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अब्बायाम मृत्यु छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अकामाम रतिकामाम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम अग्निम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वघ्नम सर्वभयम् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व राज्य भयम सर्व चोर भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व नरमानी सर्व गजमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाश्मानी सर्व गोमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व महिष्मानी सर्व धान्यमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व वृक्षमानी सर्व गुलमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व पत्रमानी सर्व पुष्पमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व फलमानी सर्व राष्ट्रमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व देशमानी सर्व विश्वमानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व बेताल साकनीमयम सर्व वेदनीयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मोहिनीयम सर्व कर्माष्टकम छिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौर वीर शांति गुरु सर्व जनानंदनम गुरु सर्व अभ्यानंदनम गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट वटप्पन पत्तन द्रोणा मुख सम्मानंदनम गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु सर्व देशानंदनम गुरु सर्व यजमानंदनम गुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान सदास्तु पदम प्रभो चंद्र प्रभो बासपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदान शीतल मुनशोभ्रत नेमी नाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकम श्री श्रीमती कुसुम जी जालन जालन परिवार कोलकाता शकुंतला जी जैन अक्षय जैन उर्मिल जैन कोमल जैन एंड फैमिली गाजियाबाद मधु जी एंड रवि जी कास्टिया मुंबई उषा जी जैन नेहा जी जैन तानवी जैन गाजियाबाद रसिकलाल जी पटवा सुमित जी पटवा एंड यस पटवा इन्होंने भी हेल्थ के लिए सभी लोगों ने हेल्थ के लिए और मंगल स्वास्थ्य के मंगल स्वास्थ्य एवं मंगल जीवन के लिए कामना की है। भगवान इन सब की मनोकामना पूरी करे और हम सब पार्टिसिपेंट ने इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई इनकी कामना पूरी हो। और इसी क्रम में हमारे आशीष राय सुराना निशा राय सुराना इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो इनकी मम्मी जी नमिता राय सुराना ने भावना भाई है कि इनका जीवन ऐसे ही शांतिपूर्ण वातावरण में और शांति में चलता रहे। ऐसे ही नमिता जी जैन को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे बहू के लिए ऐसी भावना भाई है। और उसी क्रम में हमारे आयोजन समिति के चारों तीनों आयोजक जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और उस संस्था के सभी पदाधिकारी, हमारे दोनों स्पीकर,
हमारे आईवीएस और भक्तांबर परिवार से जुड़े हुए सभी हीलर्स, हमारे बॉर्डर में जो देश की राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं वो सैनिक, और संतोष जी अनमोल जी पाटनी, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे, इन सभी के परिवार में भी शांति बनी रहे, ऐसी प्रभु से हम भावना बांटते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ सभी लोग अपने पूर्ण रूप से भाव मनाइए, पूरी एकाग्रता के साथ बोलिए। आप सब लोग जोर से बोल सकते हैं, मैं थोड़ा गैप दे दे के बोलूंगा, आप लोग उसको रिपीट करिए, जिनको याद हो गया वो साथ में बोल सकते हैं। आप म्यूट हैं, जोर से बोलिए। श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारवमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान सदा संतु। श्री सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम अश्या उषा नाद विद्याय नमो अरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम अश्या उषा नाद विद्याय नमो अरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम अश्या उषा नाद विद्याय नमो अरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रज्ञा करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र। और हमारे ब्रजमोहन जी गुप्ता और उनकी पुत्री निशा निधिन गुप्ता, इन्होंने भावना भाई है, उनको तब कोविड हुआ है तो वो आईसीयू में है, उन्होंने उनके नमंगल स्वास्थ्य के लिए भावना भाई हम नाम भूल गए थे, उनके लिए भी आज प्रभु से कामना करते हैं कि भगवान उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। और अर्घ ले लीजिए। ती शांति धारा उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्घ लई धबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिभुवन पते शांति धारा उपरांते श्री पाशना भगवान के चरण कमलों में, श्री महावीर भगवान के चरण कमलों में, आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में, चौबीस ज्योतिर्लिंगकर भगवान के चरण कमलों में शांति धारा उपरांत अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति स्वाहा। अर्घम निरपामिति स्वाहा। चलो चौबीसों भगवान की जय। वृषभ अजित शंभव अभिनंद सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय चंद पुहुप शीतल श्रेयांस नमि वाश्य पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अरुमल्लि मनाय मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु पर्दे माने पद पुष्प चढ़ा जल पले आठो सुचि सारिता को अर्घ करो
तुमको अरे पो भवतारे भवतरी मोक्षवर चौबीसो सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमय। ओम ह्रीम श्री बृहस्पति वीरांत्योभ्य अनंत पद पाताय अर्घम निपामती स्वाहा। तो चौबीसो भगवान की जय जय जय। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। तो शांतिनाथ भगवान की जय जय। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। तो चंदा प्रभु भगवान की जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। इसी के साथ शांति धारा के बाद सभी लोग कंधों तक लगाएंगे और अपने पांचों चक्राज में जो मलिनता छा गई है और दो चक्रा में हम कल्पना से करेंगे, करना तो हमको पांचों चक्रा में भी कल्पना से ही है यहाँ पे, लेकिन हम कंधों तक फाइव चक्राज में लगाते हैं नाभि के ऊपर तो, और दो चक्राज को भावों से लगाते हैं। तो इस प्रकार हम मलिनता छाई हुई मलिनता को दूर करने की कोशिश करेंगे और जब वो दूर हो जाएगी तो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए श्लोक मंत्र की साधना करेंगे। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम झिनगंधोत्तकम वंदे कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम। चलिए चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। दर्शन कर लीजिए, देखिए भगवान की प्रतिमा जी को देखिए और पूरे भाव के साथ दर्शन करिए जाप बोलते हुए। ओम ह्रीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हमारे डॉक्टर अर्चना जी को हम इनवाइट करते हैं जो तीन मूर्ता के बारे में बता रही है। कल हमारे इष्ट देव कैसे हो उसके बारे में समझाया, आज गुरुओं के बारे में बताएंगी। तो बहुत बहुत अनुमोदना हमारे डॉक्टर अर्चना जी। थैंक यू ललिता जी। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुणस्थान की शेर करेंगे, गुणस्थान की शेर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूँ मैं सोना चांदी, ना चाहूँ संसार में, ना चाहूँ मैं सोना चांदी, ना चाहूँ संसार में। मुनियारिका बन के विचरो, मुनियारिका बन के विचरो, बन बन करूँ बिहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। देखिए प्रतिमा को पार्श्वनाथ भगवान की।
बुलाना चाह रहे हैं हमको, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ ऐसी विडंबना है कि हम वहां तक, अभी पंचम काल है, काल का दोष है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा हम वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि इतने सुबह उठ के इतने लोग एक साथ आराधना कर रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है। कई कई भवों में हमने सबने मिल के ऐसी ही आराधना कई बार अनंतों बार की होंगी, जो आज इतने लोग फिर मिले हैं इस मनुष्य पर्याय में, तो निश्चित ही काल का दोष खत्म होते ही हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे सभी। इसी भावना के साथ बोलिए, देवादि देवादि नाथ भगवान की जय। जय जय दो पद आदि प्रभु के चरणों में भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना उद्योदकम दलित पाप तमो विताणम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पत ताम जनानाम। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ स्तोत्रै जगत तय चित्त हरै रुदारै स्तोषै किल हम पितम प्रथमं जिनेन्द्रम। बोली आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय समस्त आरिका संघ की जय। हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जुड़ रहे और जुड़ेंगे, और जो फेसबुक पे है, उन सभी को आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिने। चलेंगे हम हमारे हीलिंग सेशन की ओर। देखिए हमारा ये तीन पार्ट में चलता है, पहले हमारा शांति धारा है, फिर हीलिंग सेशन है, फिर भक्ति भी है, नाचो गाओ झूम, और फिर एक चीज और है जो विशेष है, स्वाध्याय, स्व का अध्याय। क्योंकि स्व के लिए टाइम ही नहीं है, हम पर में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, तो वो चीज एक अलग चीज है स्वाध्याय। ये हमारा जो सेशन है ये हमारा हीलिंग सेशन है, उसके बाद वो सेशन शुरू होता है, तो जिसमें मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ एक एक शब्द सब माँ जिनवानी का आगम का है। उसमें अब कुगुरु कुदेव कुधर्म की जो चर्चा चल रही है, मैंने पहले भी बताई थी कि ये चर्चा कड़वी है लेकिन अच्छी है, तो वो हो सकता है किसी को अच्छी लग रही हो, किसी को नहीं लग रही हो। जिन्हें सुनने के भाव है वो जिनवानी को सुने, सम्यक दर्शन को सुने, जिनके नहीं है वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए हमने लास्ट में रखा है, 8 बजे तक हमारा हीलिंग सेशन समाप्त हो जाता है, उसके बाद हमारा स्वाध्याय सेशन शुरू होता है। इसलिए कोई भी मन में ये ना रखे कि हीलिंग सेशन में ये सारी चीजें क्यों चल रही है, यदि चल रही है तो 8 बजे शुरू हो रही है, 8 बजे तक आपका हीलिंग सेशन है, और वो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में जो ग्रंथों में है वो ही कहा जा रहा है। एक एक शब्द आगम का है, मेरे घर का कुछ नहीं, मेरे पास का कुछ भी नहीं है, और बहुत अच्छी सम्यक दर्शन की चर्चा। आप लोग खुद सुन के डिसाइड करिए कि इसमें फंसे रहेंगे तो क्या हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, खुद आप चर्चा सुन के खुद डिसाइड करिए। फिर भी उस क्लास में 300 से ऊपर लोग सम्यक दर्शन का स्वाध्याय एक साथ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और कितने लोगों ने कल मिथ्यात्व का त्याग भी किया, ये उससे भी बढ़ के बात है। इसके लिए हृदय जिगर चाहिए रहता है इतनी कठिन साधना करने के लिए। तो इस प्रकार से ये 3-4 पार्ट में हमारा सेशन चल रहा है, इसलिए इसे ये ना समझे कि भक्तांबर हीलिंग ही सेशन है, इसमें सभी चल रहा है, ये मल्टीपल सेशन हो चुका है अभी अपना, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिकता। मंत्र के बेनिफिट्स ही 3 है,
मंत्र से क्या हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हमारा हेडक्वार्टर तो निगोद है, यहाँ तक हम मंत्र से ही पहुंचे हैं। मंत्र के तीन बेनिफिट्स है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक तौर पे हम स्वस्थ होने लगे तो हमें मानसिकता अच्छी लगी, और जब मानसिकता हमारी अच्छी बन गई तो हमें थोड़ा सा आध्यात्मिकता की भी जानने की इच्छा हुई है। इसलिए तीनों भी चीज हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से भी एक बार चर्चा किए थे कि हम लोग ये भक्तांबर का जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था शारीरिक स्वस्थता तक सीमित मत रहिए, उसमें आगे बढ़िए अध्यात्म की ओर। तो वो उनकी बातें आज मुझे सत्य होती दिखाई दे रही है कि ये जो सेशन ललिता जी ने स्टार्ट करवाया स्वाध्याय का, तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर भी चल रहे हैं। तो चलते हैं हम हमारे म्यूजिकल सेशन की ओर। सोचिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। एक ही प्रतिमा में 24 निहित रहते हैं। शांतिनाथ हो, महावीर भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, सब एक ही है। सोचिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। शुद्ध आत्मा, सभी पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे साथ है। तो आप देखेंगे दाहिने पैर के अंगूठे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। वो व्हाइट कलर की एनर्जी आपके अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में जा रही है, जा रही है, जा रही है। जितने भी हमारे अंदर निगेटिविटी, क्लाइक क्लेश, दुखद परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच पाप आदि है, सारे हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं। संक्लेश परिणाम पूरे बाहर जा रहे हैं और हवा में विलीन होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां निकल रही है। वो गोल्डन किरणें आपके अंदर समाहित हो रही है। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएंगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएंगी। थोड़ा ध्यान लगा। देखिए वो सकारात्मक किरणें, वो सकारात्मक ऊर्जा पूरी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे गोल्डन गोल्डन किरणें आती हुई। असीम ऊर्जा से आपका शरीर भर चुका, दिव्य ऊर्जा से आपका शरीर भर चुका है। 9 बार हम जाप देंगे। ओम ह्रीम क्लीम श्री वृषभनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीं 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 वृषभनाथाय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, जय, जय। सभी लोग बैठ जाइए। आराम से, शांति से, खुद की बात करना है, आप अपने आत्मा से अपनी बात करिए। आराम से बैठेंगे, रिलैक्स मूड में, कोई टेंशन नहीं तन पे, मन पे, चेहरे पे, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं।
अपने आप को एकदम तीन फूंक मार के अपने आप के अंदर की वायु, निगेटिव वायु को बाहर कर दीजिए, एकदम अपने चित्त को खाली और एकाग्र कर दीजिए। और पूरे निगेटिव थॉट्स आप अपने सिटी के बाहर के डस्टबिन में जरूर डालिए। तीन बार ओम के उच्चारण से हम स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब आदि ना नहीं हो रहा, कल से सरक ही नहीं रहा है। हाँ कभी भी अच्छा। खोलो तो कभी क्या खोलो ओम और पिरामिड। हाँ ठीक है। दो सभी लोग चार बिंदु अपने चार कोने में चार बिंदु बना लीजिए, अपने चारों साइड चार लाइन खींच लीजिए और एक बिंदु आपके बिल्कुल सेंटर में आपके सहस्त्र चक्र से थोड़े ऊपर, चारों कोनों से चार लाइन आप ऊपर मिला लीजिए। एक स्क्वायर बेस पिरामिड बन गया है और इस पिरामिड के अंदर आप बैठे हुए हो ऐसा विचार करिए। शिखर से ही एनर्जी आती है, हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं सब शिखर से ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, हमारे मंदिर भी शिखर के आकार के रहते हैं, इसलिए हम भी एक मंदिर के अंदर एक पिरामिड के अंदर बैठे हुए अपने आप को देखेंगे। पिरामिड बना लीजिए, उसमें बैठिए। मन को एकाग्र करिए और ओम का उच्चारण हम करेंगे।
15 मिनट के लिए स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह समय हमारा है, हमारा अपना है। भविष्य निर्वाण का समय, आपके सारे कार्यों की पूर्ति करने का समय, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपने आप को विश्राम की अवस्था में लाए, एकदम विश्राम की अवस्था में। आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पे प्रसन्नता। केवल 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 आपका ही समय है ये। आप अपने मन से, अपने दिमाग से समस्त परेशानियों को निकालें, विचारों पे रोक लगा दीजिए। संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करिए। आती जाती श्वासों को देखेंगे। अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को देखिए, महसूस करिए। सकारात्मक एनर्जी आप पिरामिड के अंदर हो, निरंतर आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव जारी है। पिरामिड के अंदर बैठने से वो सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस करिए। विचार करिए और चिंतन करिए, सोचिए मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं। अपनी ललाट पर एक बिंदु देखने की कोशिश करिए, अपनी ललाट पर एक बिंदु देखने की कोशिश करिए। और विचार करिए, सोचिए मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव तत्व हूं। ये शरीर मेरा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। जितनी भी परेशानियां समस्याएं, ये सारी शरीर की है, मेरी नहीं। इस शरीर की है, संसार की है। मैं तो एकमात्र पवित्र आत्मा हूं। मेरी जरूरतें मेरी नहीं, इस शरीर की है। मैं इन सब जरूरतों से मुक्त हूं। आराम से श्वासों को देखते जाइए, लेते जाइए। आती जाती श्वासों को एकदम इजी। विचार करिए, सोचिए आपके अंदर कितनी एनर्जी भर चुकी है, पॉजिटिव एनर्जी। पिरामिड के अंदर हो आप, सोचिए कितनी एनर्जी भर चुकी, कितना आनंद है आपके अंदर। आपके अंदर ही सब कुछ है। मेरा लक्ष्य क्या है, विचार करिए थोड़ा। वो कैसे संभव है उसको प्राप्त करना, विचार करिए, सोचिए मेरा लक्ष्य क्या है। शांति समृद्धि,
ये मेरा लक्ष्य है। अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर शांति पर ध्यान दीजिए। और अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर बनाए रखिए। हम हमारे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को, मन की शांति पर ध्यान दीजिए। अपने मन की शांति पर ध्यान दीजिए और ध्यान को श्वासों पर बनाए रखें। थोड़ा अंदर जाइए जहां अल्पा वे उसका निर्माण होता है। थोड़ा अंदर जाइए अपने मन के अंदर। जितनी ज्यादा अल्पा वे निर्माण होगी उतनी अधिक शांति आपको प्राप्त होगी। देखिए आप अपने मन की शांति पर देखिए, वहां शांति ही शांति है। आनंद है अंदर जाती हुई सांसों के साथ। देखिए ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है सांसों के माध्यम से। आपके अंदर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा समाहित हो रही है। अपनी आत्मा को शीतल कर रही है। आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। अविरल ऊर्जा शुरू है पिरामिड के अंदर। आपको अविरल ऊर्जा की धार शुरू है। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। सभी समस्याएं आपसे दूर जा रही है। सभी प्रकार के डर आपसे दूर जा रही है। सांसें जो बाहर निकल रही है आपके अंदर से, जो बाहर सांसें निकल रही है वो आपकी समस्याएं है, वो आपसे दूर जा रही है सांसों के माध्यम से। आपके अंदर के डर बाहर दूर जा रहे हैं। और आपके अंदर शांति की किरणें फैल रही है। शांति की किरणों का विस्तार हो रहा है। अल्फा वेट की किरणें पूरी निर्माण हो चुकी। पूरी शांति की किरणें आपके अंदर। अपने अंदर की शांति को पहचानिए। आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ समय के लिए उस विशाल शांति के साथ अकेले रहिए। अकेला समय बिताइए। वो विशाल शांति जो आपके अंदर, बहुत बड़ी दुनिया है एक, और वहां विशाल शांति है। उस शांति को महसूस करें, अनुभव करें इसका। थोड़ा समय अपने साथ अकेले विचार अकेले बिताइए अपनी आत्मा के साथ।
और अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए। जितने अंदर जाओगे उतनी ही विशाल शांति को आप प्राप्त करोगे। इतनी अधिक शांति आपके अंदर कि अब वो शांति की किरणें आपके चारों ओर बिखर रही है। वो शांति की किरणें बाहर निकल रही है और आपके चारों ओर बिखर रही है। आपके चारों ओर शांति समृद्धि, पूरे परिवार में शांति समृद्धि। आपका परिवार में सुख समृद्धि शांति प्रस्थापित हो चुकी। आपके आसपास के पूरे रिलेटिव्स, पूरे रिश्तेदारों में भी वो किरणें फैल रही है शांति की। धीरे से आप देखोगे पूरे समाज में वो शांति की किरणें फैल रही है, सुख शांति समृद्धि की। पूरे राष्ट्र में पूरे देश, राष्ट्र, समाज वो शांति की किरणें आप फैला रहे हो। पूरी दुनिया में वो शांति की किरणें फैला रहे हो आप, जो आपके अंदर है। आपके कण कण में जो समाहित है कॉस्मिक एनर्जी, वो सारी दुनिया में फैला रहे हो आप। सब कुछ चलायमान है, पल पल परिवर्तित है। वो ऊर्जा जो आपको आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति प्रदान करती है। विचार करिए, सोचिए, हम स्वयं ही सुखी बनने तक सीमित नहीं है, हम विश्व शांति के बारे में सोच रहे हैं। हम स्वयं उत्तम बन, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संसार की निगेटिव ऊर्जा आप अप्रभावित रह रहे हो, आप उससे अप्रभावित हो। किसी भी दीप को बुझाना नहीं, प्रज्वलित करने वाले बन चुके हो। किसी के भी अंतर मन को जागरूक करने वाले बन चुके हो। आप धर्म के सारथी बन चुके हो। क्रोध, मान, माया, लोभ का अंत करने वाले बन चुके हो। चाहे जैसा तूफान आए वो आपको छू भी नहीं सकता।
हम अनंत शक्ति संपन्न बन चुके, निरंतर भय को जीतने वाले बन चुके, सारी शक्तियों से संपन्न हो चुके, हमारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाहित हो चुकी, हम प्रकाशमान हो चुके, शक्तिशाली हो चुके, नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो थोणं, नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो थोणं, नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो थोणं। इसी शुभ भाव के साथ हम चलते हैं 45 नंबर श्लोक, जो कि असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण करेगा। 45 नंबर श्लोक की आराधना हम करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचां दशामुपगता शुद्ध जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मत दिद देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचां दशामुपगताश्रित जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचा दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीद देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोचाम दशाम उपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम भीम भगवते भय विषहराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः मंत्रमय हो जाइए मंत्र मुग्ध हो जाइए प्राणमय हो जाइए मंत्रों को अपने अंदर समाहित कर लीजिए ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः
ओम नमो भगवती शुद्धो प्रगव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोग संगम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धो प्रगव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोग संगम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। मंत्रमय होइए, मंत्र मुग्ध होइए, मंत्रों को अपने अंदर समाहित करिए। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। चलेंगे अब हम रिद्धि की ओर। अपने दोनों हाथों को अपने संस्कार चक्र पे रख लीजिए। मंत्रों से ही रिद्धि सिद्धि आती है, जो हमारे सेवन चक्राज में पूरी एनर्जी देती है। तो हम दोनों हाथों को सहस्त्र चक्र पे रखेंगे। दोनों हाथों को सहस्त्र चक्र पे हल्का सा प्रेस करते हुए रखेंगे और रिद्धि बोलेंगे। ओम ह्रीं अरं नमो अखीण माणशाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अखीण माणशाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अखीण माणशाणं
झोम झोम नमः स्वाहा। थर्ड आई चक्र ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। थर्ड चक्र ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। आठ चक्र ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। मणिपुर चक्र ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। स्वाधिष्ठान चक्र पे दोनों हाथ रखेंगे, मध्यमा उंगली मिली हुई। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। रूप चक्र पे दोनों हाथ रखेंगे, ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथ को बैक रूप चक्र पे, ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। बैक हार्ट चक्र, एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे और एक हाथ पीछे से ऊपर करेंगे। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो अखिल महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय जय। चलते हैं हम हमारे पम बीजाक्षर की ओर। येलो कलर की माला ले दीजिए और जितने भी हमें सामने दिख रहे हैं हमारे पेशेंट सभी के लिए हम आराधना करेंगे पम बीजाक्षर की। सभी लोग हीलिंग देंगे उनको और लेंगे भी और देंगे भी पम बीजाक्षर से। येलो कलर की माला, येलो कलर की एनर्जी सोचिए आपके अंदर समाहित हो रही है।
आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे येलो कलर से और ग्रीन कलर से पम बीजाक्षर है। आप येलो ग्रीन कलर की एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। श्वासों के साथ 4-2-6-2 के रेशों में हमें बोलना है पम बीजाक्षर पम 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 पम। Bum.
पम 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 सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्र्याय नमो नमः देखिए यहाँ हमारा हीलिंग सेशन समाप्त हुआ अब हम चल रहे हैं हमारे स्वाध्याय सेशन की ओर जिसमें हमारी चर्चा चल रही है सम्यक् दर्शन के 25 दोषों की सम्यक् दर्शन 25 दोषों से रहित होता है और वो कैसे है 25 दोष उनकी एक एक दोष की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आइए चलते हैं हमारे स्वाध्याय सेशन की ओर आपके सामने पीपीटी ला रही हूँ सम्यक् दर्शन की आप वो देख लीजिए तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा देखिए हमने देख लिए तीन मूर्ता जो हम देख रहे हैं मूर्ता यानी क्या मूर्ता यानी देखा देखी करना अज्ञानता से करना अज्ञानता में किए हुए कार्य को ही मूर्ता कहते हैं हमारी चर्चा पहले 8 अंग पे हो चुकी है अष्टांगिका में अब हमारी चर्चा 3 मूर्ता पे चल रही है हमने पहले दिन देखा सम्यक् दर्शन को बेसिक समझा फिर लोक मूर्ता फिर हमने देव मूर्ता देखी कल आज हमारी गुरु मूर्ता है कल बहुत लोगों का चैट बॉक्स में मैसेज था कि देव मूर्ता वापस लीजिए लेकिन फिर कभी हम कभी और ले लेंगे आज हम हमारी गुरु मूर्ता की ओर चलेंगे
आज का हमारा जो सब्जेक्ट है गुरु मुर्ता का सब्जेक्ट है आज हमारा, हम उसी को लेते हैं, फिर कभी और हम इस चीज को और समझेंगे और लेंगे फिर कभी। गुरु मुर्ता यानी क्या आप देख रहे हो स्क्रीन पे? आरंभी परिग्रही साधु की विनय करना गुरु मुर्ता है। मुर्ता अज्ञानता, देखा देखी, उसी को मुर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर कितना अच्छा बताया है कि आरंभी परिग्रही साधु की विनय करना गुरु मुर्ता है। जो बहुत से परिग्रह अपने साथ रखे हुए हैं, ऐसे साधु संतों को यदि हम विनय करते हैं तो उन्हें गुरु मुर्ता कही जाती है। इसके लिए रत्नकरण सावकाचार्य में एक बहुत ही अच्छी गाथा आचार्य सम्मत भद्राचार्य जी ने लिखी है। संग्रह थारंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्ति नाम पाखंड नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। यहाँ क्या कह रहे हैं? आरंभी परिग्रही। अब कैसा आरंभ, कैसा परिग्रह, और विषयों से सहित जो कुगुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। विषयों के सहित यानी कौन से विषय? पांच इंद्रिय के विषयों के साथ, जो पांच इंद्रियों के विषयों के साथ और आरंभ परिग्रह के साथ है, ऐसे गुरु को पूजना उसे गुरु मूर्ता बताई गई है। यानी आरंभ परिग्रह के साथ यानी क्या? धन धान्यादि परिग्रह भी 24 प्रकार के, बता दो आपको भेद, परिग्रह के परिग्रह 24 भेद, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। अब ये 10 प्रकार के और 14 प्रकार के परिग्रह कौन से हैं? तो 10 प्रकार के परिग्रह में क्या आ गया पता है आपको? क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु यानी सब जगह का परिग्रह, वास्तु का परिग्रह, हिरण्य यानी चांदी का, हिरण सुवर्ण यानी सोने का, हिरण सुवर्ण, धन धन का, पशुधन भी उसमें आ गया, धान्य का, धन धान्य, दासी दास, दास का, दासी का, कुप्य, भांड, गहने आदि सोने के और बर्तन आदि सब चीज का परिग्रह इसमें आ गया। हम लोग आज तक इसी को ही परिग्रह मानते आए हैं। इसमें भी दो भेद हो जाते हैं, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, मिश्र परिग्रह, तीसरा भी एक आ जाता है। चेतन परिग्रह में इसमें दासी दास जो है ये चेतन परिग्रह हो गया, और बाकी जो परिग्रह धन धान्य आदि है ये सारे अचेतन परिग्रह में आ गए, और दोनों का परिग्रह जो हो गया वो मिश्र परिग्रह हो गया। तो इसमें चेतन अचेतन दोनों परिग्रह आ गए, और ये बहिरंग परिग्रह हमने आपको 10 प्रकार के बताए, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। ये तो बात आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, हम बहुत अच्छे समझते हैं परिग्रह यानी खूब सोना चांदी साड़ी कपड़े मकान दुकान ये सब परिग्रह है, बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, इसको बताने की उतनी जरूरत नहीं। हम चलेंगे अंतरंग परिग्रह की ओर, जो कि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है। कौन से आ गए 14 प्रकार के? लिख सकते हैं, लिखना है जो भी। 14 प्रकार के कौन से परिग्रह आ गए? पहला मिथ्यात्व, पहला कौन सा मिथ्यात्व, पहला कौन सा परिग्रह आ गया? मिथ्यात्व। सोचिए मिथ्यात्व को परिग्रह कह दिया आचार्यों ने, और चार कसाय क्रोध मान माया लोभ, चार प्रकार की कसाय भी परिग्रह में आती है अंतरंग परिग्रह में, और नौ कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, हास्यादि नौ कसाय ये भी परिग्रह में है। सोचिए थोड़ा विचार करिए, 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह है इस पे दृष्टि डालिए थोड़ी सी, थोड़ा विचार करिए।
सोचिए मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी क्या, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न मानकर विपरीत मानना। मेरा शरीर नहीं है फिर भी मेरा शरीर है, मेरा शरीर जीव है, ये मानना, ये परिग्रह हो गया। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न मानकर उसको विपरीत मानना, ये मिथ्यात्व हो गया। और दो दिन से हम देख ही रहे मिथ्यात्व को, लोक मूर्ता और देव मूर्ता के माध्यम से। अब उसके आगे आता है क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या कभी आपने गुस्सा करना इसको परिग्रह सुना है, माना है? क्रोध परिग्रह है, मान करना परिग्रह है, माया करना परिग्रह है, लोभ करना परिग्रह है। लोभ करना तो समझ में आता है, लेकिन क्रोध करना ये एक अंतरंग परिग्रह है, ये नई बात समझ में आती। सोचिए, विचार करिए, क्या कभी सोचा है आपने कि गुस्सा करना भी परिग्रह में आता है करके? सोचिए, गुस्सा करना भी परिग्रह है। हम जाने अनजाने में कर लेते हैं गुस्सा, हमें नहीं पता, और वो भी एक परिग्रह है। आगे हास्यादि नौ कसाय, हास्यादि नौ कसाय, हंसना परिग्रह है? सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए, विचार करिए, हंसना परिग्रह है? हमें पता ही नहीं चलता, हम बेकार में हंसते हंसाते हैं, हंसना भी एक परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, शौक, शौक, दुख करना, स्त्री में रमण करना, पुरुष में रमण करना, रति अरति, भय, भय करना, हास्य, रति, अरति, शौक, भय, जुगुप्सा, ग्लानी करना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे परिग्रह है, और ये अंतरंग परिग्रह है। सोचिए, हम जबरदस्ती में हंसना, जबरदस्ती में कुछ भी बोलना, ये सारी चीजें परिग्रह में आती है। कभी सोचा है आपने कि ये चीजें परिग्रह में आती है करके? खेडाला में बहुत अच्छी लाइन आती है, और एक बहुत अच्छी चीज आपको परिग्रह में बता रही हूं। अंतर रागाधिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग नहीं महत भाव, ते कु गुरु जन्म जल उपल ना। क्या बता रहे हैं? अंतर रागाधिक धरे जे, अंतर के रागाधिक भाव भी परिग्रह है, और वो कैसा परिग्रह है? उपल नाव, उपल नाव यानी पत्थर की नौका है, जो खुद भी डूबेंगी और दूसरों को भी डुबाएंगी, पत्थर की नौका कह दिया है। अंतर रागाधिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने, अंतर में तो रागाधिक का परि है और बाहर में भी धन का परिग्रह है, ऐसे कुलिंग महत भाव को गुरु मूर्ता कह दी है। क्या कह दिया? उसको गुरु मूर्ता कह दी है, जो स्वयं चतुर्गति रूप दुखमय संसार चक्र में फंसे और दूसरों को उसमें फंसाने वाले हैं, ऐसे पाखंडियों की श्रद्धा को गुरु मूर्ता कहते हैं। स्वयं विचार करो, जो स्वयं विषयों के प्रति लंपट्टी है, आपके विषयों को कैसे छुड़ाएगा? स्वयं जो परिग्रह रखा है वो आपके परिग्रह को कैसे छुड़ाएगा? स्वयं विचार करिए, सोचिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कुंद कुंद आचार्य जी ने भी बहुत अच्छा बताया है, आप राधुर भावा खलु रागादि नाम इनसे थी, आप राधुर भावा खलु रागादि नाम इनसे थी, तेषाम योत्पत्तरी बिना गमस्य संक्षेपा। संक्षेप में उन्होंने बताया कि रागादि भाव क्या है। खलु निश्चय से रागादि भाव भी परिग्रह है, कुंद कुंद स्वामी ने बता दी इतनी अच्छी बात। राग देशादि परिणाम सब परिग्रह बता दिए हैं। स्वयं विचार करिए, सोचिए, जो स्वयं विषयों के प्रति लंपटती है वो आपको विषयों से कैसे छुड़ाएगा?
जो पंचेंद्रिय के विषयों में रमन कर रहा है आज तक अनादि से उसी में जमा है, उसी में रमा है, वो कैसे आपको पंचेंद्रिय के विषय से छुड़ाएगा, कैसे आपको अपने स्वरूप को बताएगा? अरे एक भी गलती हो गई तो वापस निगोद चले जाएंगे, अपना हेडक्वार्टर वही है, हम वहीं से आए हैं। ये मनुष्य पर्याय कितनी कठिन है। हीरा को समुद्र में डाल दो फिर उसको ढूंढो, ढूंढना कितना कठिन है, उतनी ही कठिन ये मनुष्य पर्याय, दुर्लभ पर्याय और जैन कुल उत्तम कुल पाना है। कब किस भाव के कौन से पुण्य पाप उदय में आएंगे नहीं बता सकते। गज कुमार मुनि जो थे, जिनके ससुर ने उनके सर पे सिगड़ी जलाई थी, उनको पता है कितने सागर वर्ष पुराना कर्म उदय में आया था? 99 करोड़ सागर वर्ष के बाद उनका वो पाप कर्म उदय में आया था। हम नहीं बता सकते कब कौन से भाव का कौन सा कर्म हमारे उदय में आ रहा है। जो स्वयं संसार मार्ग में लगा है, संसार में घूम रहा है, वो आपको संसार से पार होने का उपाय कैसे बताएगा? जिन्होंने खुद ने ही आरंभ भी परिग्रह हिंसा का त्याग नहीं किया, आरंभ परिग्रह है उनके पास, वो कैसे बताएगा? जिसका भोग विषयों के प्रति अनुराग लगा है, भोगों भोग में स्वयं ही रमा हुआ है, भोगों भोग यानी जो एक बार भोगे वो भोग, और उपभोग यानी जो बार बार अन्न आदि हम बार बार खाते पीते हैं उपभोग, वस्त्र आदि हम अन्न हम एक बार खाते हैं भोग, और वस्त्र आदि हम बार बार पहनते हैं उपभोग, बार बार उसका हम यूज करते हैं। ध्यान रखना, जिसका भोग विषयों के प्रति अनुराग लगा है वो बहिरात्मा है। वो कौन है? बहिरात्मा है। और जो ट्रस्ट और स्थावर की हिंसा करने में उद्यत है, ऐसे पाखंडी सम्यक दृष्टि जीव के गुरु नहीं होते। स्थावर हिंसा नहीं पता उनको, ट्रस्ट का हिंसा नहीं पता। पानी छानते हैं डबल छन्ने से, स्थावर जीव छनते हैं। उस स्थावर जीव को एक साइड रख दो, कहीं भी मरता लो पानी छाना है छन्ने से तो बिल छानी, स्थावर जीव है उसमें, एक किनारे में डालो उनको बिल छानी को। जो सम्यक दृष्टि होता है वो आरंभ परिग्रह को त्याग करके स्वयं संसार चक्र से मुक्त होने का उद्यत बताता है, परंतु जो सारंभ और संग्रंथ है ऐसे मिथ्या भेष को धारण करने वाले साधु जनों में यदि आपने गुरुत्व बुद्धि करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना और उन्हें हुक्का चिलम गांजा अफीम धन आदि देकर प्रसन्न करना, ये सारी चीजें गुरु मुड़ता है। रिश्वत मत दीजिए गुरु को कि ऐसा हो जाएगा तो हम इतने मन के लड्डू चढ़ाएंगे, इतने सोने के छत्र चढ़ाएंगे। नो रिश्वत, कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है गुरु को, ये सब पाखंडी मुड़ता है। ये सारी चीजें हमारे गुरु कैसे है। रत्नकर सावकाचार में एक बहुत ही अच्छी गाथा आती 10 नंबर की, बड़ी अच्छी लगती मुझे वो, कि हमारे गुरु कैसे होना चाहिए। विषयाशो वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ध्यान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। कैसे होना चाहिए हमारे जो गुरु है वो कैसे होना चाहिए, सोचिए। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्यते। हमारे गुरु कैसे होना चाहिए? जो विषय वासना से दूर हो। कैसे हो? विषय वासना से। कौन से विषय? कौन से विषय भाई? पंचेंद्रिय के विषय। जो विषय वासना से दूर हो ऐसे हमारे गुरु होना चाहिए। कौन से पंचेंद्रिय के विषय है? स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु,
कर्ण, ये पांच इंद्री के विषय है। पांचों इंद्री में एक एक चीज फेमस है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। स्पर्श इंद्रिय में हमेशा हाथी का उदाहरण देके मैंने बताया है कई बार कि एक गड्ढा करके उसके ऊपर कागज की हथनी बना के रख देते हैं और वो हाथी देखता है हथनी है, भागते दौड़ते आता है और गड्ढे में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर। और रचना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली अपनी जान गंवा देती है। मछुआरा कांटा में क्या लगा देता है, आटा लगा देता है और वो अपनी जान गंवा देती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर घोड़ा अपनी जान गमाता है। कमल का फूल उसके अंदर उसको खुशबू आती, कमल के फूल पे वो बैठ जाता है, शाम होते होते कमल का फूल बंद हो जाता है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर घोड़ा ने अपनी जान गमा दी। चक्षु इंद्रिय, पतंगा जो लाइट के कीड़े चकमकाती लाइट देख के वहां आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हिरण ने अपनी जान गंवा दी। पांच इंद्रियों में ये एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर इन्होंने जान गंवाई है। फिर हम हमारे बारे में सोचे, हम तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत है। हम कैसे हैं, हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत है, तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा उदाहरण भी आप लोगों को बहुत बार हमेशा दी हूं कि भाई प्यास लगी है, सादा एक गिलास पानी पी लो, आपकी प्यास चली जाएगी। लेकिन नहीं, हम इतने पांचों इंद्रियों के वशीभूत है कि स्पर्श जैसे ही मुझे लाके दिया ललिता जी ने गिलास पानी का, मैंने हाथ में लिया और क्या कह दिया, अरे यार थोड़ा ये ठंडा होता, आइस वाइस दलिया होता, फ्रिज का होता तो अच्छा लगता। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत। रसना इंद्रिय के वशीभूत, अरे थोड़ी शक्कर दल जाती, खट्टा मिट्टा नींबू दल जाता, शरबत बन जाता, फिर हम ये पानी को पी लेते। अरे भाई रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर अब तो पी ले, अभी भी नहीं पिया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर क्या कर रहे हैं हम, अरे भाई थोड़ा एशंस डाल दो, खुशबू आ जाएंगी उसमें पानी में। अरे एशंस भी डाल दी ललित जी ने, अब तो पी लो अर्चना, अभी तो चक्षु इंद्री बाकी। चक्षु इंद्री क्या कह रही है, थोड़ा सा कलर डाल देते रू अब्जा, लाल हरा नीला मजा आ जाती। वो भी डाल के लाडी ललिता जी ने, अब तो पी लो अर्चना। नहीं, अभी तो कर्ण इंद्री की डिमांड बाकी है। कर्ण इंद्री भी अपनी डिमांड कर रही है, क्या कह रही है कर्ण इंद्री, चलिए यार एसी में बैठेंगे, टीवी लगाएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए उसको पिएंगे। एक सादे गिलास में हमारी प्यास जा सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, पांच इंद्रिय के वशीभूत होकर एक रुपए को 25 रुपए बना के एसी में बैठ के हमने उसको पिया, बढ़िया संगीत सुन के। पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर हम अपनी जान गंवा रहे हैं। एक एक इंद्रियों में वशीभूत होकर उनने गंवाई थी। तो जो विषयाशा वशाती, तो जो विषय वासना में लिप्त है, निरारंभो परिग्रह ज्ञान धान तपो रक्त तपस्वी परिग्रह, जो विषय में लंपित है वो हमें क्या बताएंगे। विषयाशा वशाती तो विषय वासना से रहित है हमारे गुरु। हमारे गुरु कैसे हैं, विषय वासना से रहित है, निरारंभो परिग्रह, उन्हें कोई आरंभ परिग्रह नहीं है। हम रोज बोलते पतिक्रम में समरम समारंभ आरंभ। समरम यानी क्या, विचार करना। समारंभ यानी क्या, चीजों को इकट्ठा करना। और आरंभ यानी क्या, उसका शुरुआत करना। जैसे हमें भोजन बनाना है, हमने विचार कर लिया हमें क्या क्या बनाना। समारंभ, हमने वो सारी सामग्री इकट्ठी कर ली और फिर भोजन बनाना हमने प्रारंभ कर दी। निरारंभो परिग्रह, कोई आरंभ परिग्रह जिसके पास नहीं है, ऐसे हमारे गुरु है। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्ते। ज्ञान ध्यान में जो लीन है, कैसे लीन है, प्रमाण सागर महाराज जी जैसे ज्ञान ध्यान तपो रक्त और अपने तप में भी रक्त है। तपस्वी प्रशस्ते, और जब भी आपने कोई सवाल किया तो तत्क्षण उत्तर देना, तत्क्षण उसी समय उत्तर देना।
ऐसे हमारे गुरु होते जो पांच इंद्रिय के विषय हिंसा आदि से दूर है। हमें संकल्पी हिंसा नहीं करना है, सोच के पता है फिर भी हम वो पानी की बिलछानी कहीं भी डाल रहे हैं, टीटी आदि पता है यहाँ है लेकिन हम उसमें पैर दे के चले गए। चार प्रकार की हिंसा है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी, विरोधी। चार प्रकार की हिंसा है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा हमारे लिए छूट है, स्त्री लोगों के लिए आरंभी हिंसा हमारे लिए छूट है, भोजन झाड़ू बुआरी आदि करते में हमसे कोई हिंसा होती उसकी हमें छूट है। उद्योगी मनुष्य के लिए व्यापार आदि में जो हिंसा होती है उसकी उसको छूट है। और विरोधी हिंसा अपनी जीवन की रक्षा, न्याय के लिए, धर्म के लिए, नीति के लिए की गई हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। जैसे राम जी थे, राम जी को लंका नहीं चाहिए थी, लंका के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया था। राम जी ने अपनी सीता जी के लिए उन्होंने कहा था कि मेरी सीता मुझको वापस दे दो, लेकिन नहीं दिया रावण ने, इसके लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। तो जो उन्होंने ये युद्ध किया है वो विरोधी हिंसा शील की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इसको किया है। किसी भी जीव को कोई संकल्प करके किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना चाहिए। एकमात्र गलती और एकमात्र हिंसा अपने किए तो वो सीधा निगोद में जाए। हिंसा भी दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। आपने हाथ में तलवार उठाई किसी को मारने को, उसको अभी मारी भी नहीं है आपने। पत्थर उठाया हाथ में किसी को मारने को, अभी मारा भी नहीं है। मात्र हाथ उठाया किसी मारने को, अभी आपने मारा भी नहीं है। मात्र आपने भाव किए हो, भाव हिंसा। और द्रव्य से उसे चाटा मार दिया, पत्थर मार दिया, द्रव्य हिंसा। भाव प्रदान जैन धर्म है। इस प्रकार की हिंसा से भी हमें बचना है। जो इस प्रकार की हिंसा से बचते हैं ऐसे गुरु ही हमारे सच्चे गुरु है। ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र को हमें पूजना है, उनकी विनय हमें करना है, ना कि आरंभ परिग्रह वाले कि जो आरंभ और परिग्रह से जो युक्त है उनसे नहीं करना है हमें। संभ्रम समारंभ आरंभ, उसके बाद कृतकारी तनिमोदना भी बोलते हैं हम। ये जो सारी चीजें अंतरंग बहिरंग परिग्रह जिसके पास है ऐसे गुरु को पूजना गुरु मूर्ता कहलाती है। हमें जो परिग्रह आरंभ सब परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, जिन्होंने 24 परिग्रह का त्याग किया है ऐसे मुनिराज को हमें पूजना है। लेकिन हमें क्या है, जिनवानी रुचती नहीं ना वे मंदिर जाए, गुरु मिले मुख फेर ले, गुरु मिले ध्यान मुख फेर ले, वे शुभ गति कैसे पाए। लेकिन हमें तो जिनवानी रुचती नहीं, आज के समय स्वाध्याय हमें इच्छा नहीं है सुनने की। जिनवानी माँ ने रत्नों का कर्ण भर के रख दिया है, रत्न कर्ण, तीन रत्न उसमें है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूपी, लेकिन वो करंडा को हमको खोल के देखना ही नहीं है। कितने सालों से हमारे शास्त्र बंद पड़े हैं, इस समय और कोरोना काल में मंदिरों में पूरे बंद पड़े हुए हैं, लेकिन वो रत्न करण जो माँ जिनवानी ने भरा, द्वादशांग माँ ने भर के रखा है, उस रत्न करण को हमें खोल के ही नहीं देखना। हमारे सामने काजू किशमिश के करण आने दो, करंडा मराठी में करंडा कहते हैं, वो ऊपर से उठाओ ढक्कन और अंदर जो रहता है ना, करंडा बोलते मराठी में, तो यही है रत्नकरण। तो वो रत्नकरण भर के रखी माँ जिनवानी ने, लेकिन उसे खोल के देखने की जरूरत नहीं। काजू किशमिश के तुरंत खोल के अंदर हो जाते, पता ही नहीं चलता। आत्मा का भोजन भी जरूरी है, शरीर का करण खोल के देख रहे हो, जैसे शरीर का भोजन जरूरी है ऐसे आत्मा का भोजन जरूरी है। आत्मा में शक्ति आएंगी कहाँ से, भेद विज्ञान आएगा कहाँ से, ज्ञान आएगा कहाँ से, सब शास्त्रों से ही आएगा। निश्चित आप 10 मिनट का, 5 मिनट का, जब हमने ये सेशन शुरू किया तो हमसे ललिता जी ने कहा था अर्चना मात्र 10 मिनट करवाइए, मात्र
पांच मिनट करवाइए, तो ये उत्कंठा आपके अंदर होना चाहिए कि हमें स्वाध्याय करना है, 10 मिनट ही करना है, 5 मिनट ही हमें करना है। हमारी आत्मा क्यों भटक जाती है? विचार करें, सोचिए थोड़ा सा कि हमारी आत्मा क्यों भटक जाती है। सत्य की डोर जब तक हाथ से छूटती नहीं तब तक आत्मा नहीं भटकती, और सत्य की डोर जब हाथ से छूट गई तब तो हमें दुखी होना ही है। सत्य की डोर हाथ से आपकी छूटी और आपको दुखी होना ही है। अनंत सुख हमारा स्वरूप है, यही परम सत्य है। स्वाध्याय को परम तप भी कहा है, स्वाध्याय परम तपः। क्या कहा है स्वाध्याय को? परम तप कहा है स्वाध्याय को। जो स्वाध्याय करता है वो परम तप है। तो बस इसी भावना के साथ आज यहीं पे हम विराम देंगे कि हमने आज लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता में हमने देखे स्नान आदि करना, गोबर से अंग में लेपन लगाना, राख लगाना, ये सब लोक मूर्ता। गुरु मूर्ता में हमने देखे अन्य को, गुरु को, देव को जो पूजते हैं, जिनके बाहर तो लाइटिंग है और अंदर में फाइटिंग चल रही है, खुद के रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र लेके जो खड़े हुए हैं। और आज हमने गुरु मूर्ता देखी, आरंभो परिग्रह से जो युक्त है, पंचेंद्री के विषय से जो युक्त है, पंचेंद्री में जो लोलूप है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को जो मानते हैं उनको छोड़ना, जो हिंसा अधिक करते हैं उनको छोड़ना, सच्चे देवगुरु शास्त्र को हमें धारण करना, उनकी विनय करना, ये हमें 3 दिन में 3 मूर्ता का विषय हमारा आज यहाँ समाप्त हुआ। और हम कल से जो लेंगे 8 मद हम यहाँ पर लेंगे कल से 8 मद। तो ध्यान में रखें, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, हर किसी के नहीं ले रही हूँ। कोई कहेगा कि ये तो हीलिंग है, ये स्वाध्याय है, ये इसमें कुगुरु कुदेव कहाँ से आ गए हैं, तो ये स्वाध्याय स्व का अध्याय है। ये बहुत पुण्यशाली भव्य जीव होंगे जिन्हें जिनवानी सुनने के भाव होंगे। जैसे हम दाल बनाते, मूंग की दाल, एक आधी दाना है जो पकता नहीं है, कितनी भी सीटी ले लो, एक मूंग की दाल का दाना ऐसा रहता है जो आखिरी तक नहीं पकता। ऐसे ही अभव्य जीव है जो आखिरी तक पकने वाले नहीं है, ना सम्यक दर्शन को पकाने वाले है। मात्र भव्य जीव है जिनके भाव जिनवानी सुनने के होंगे। आज 300 से ऊपर, 300 350 लोग एक साथ बैठ के स्वाध्याय कर रहा है, मामूली बात नहीं है। बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से यह देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी चला। बहुत पुण्य से मुझे तो इतनी अंदर महिमा आती है, इतना बहुमान कि 300 से ऊपर लोग एक साथ सम्यक दर्शन की चर्चा सुनने के भाव एक साथ होना, ये अति 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 शातिशय पुण्य का उदय है कि 300 से अधिक लोग एक साथ बैठ के सुनना जिनवानी को, वो भी सुबह अपनी नींद खराब करके, पर धर्म नींद खराब करके ही होता है। ध्यान रखना, धर्म जो होता है नींद कम करके ही है होता है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोए है वो सब खो रहे, जो सोवत है वो खोवत है। इस प्रकार से हमने 3 मूर्ता को समझा, आगे हम और भी समझेंगे। इसके 8 मद हम कल से शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि हम कब कैसे कैसे मद कर जाते हैं। मद यानी घमंड, प्राउड, किस प्रकार से हम कर जाते हैं जो हमारे सम्यक दर्शन में बाधा बनते हैं। बहुत सी चर्चा है सम्यक दर्शन में करने के लिए, हम कई दिन तक कर सकते हैं। अभी तो हम 25 दोषों को देख रहे हैं, इसके बाद तो विशेष चीज हमें देखना है कि सम्यक दर्शन होती क्या है, कितने प्रकार का है, ये सारी चीजें भी हम इसके साथ देखेंगे। इसे मंगल भावना के साथ सभी लोग सम्यक दर्शन को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। मानने की बात तो अलग है, अभी सिर्फ बात जानने की चल रही है। अभी तो मेरी इच्छा है कि लोग सिर्फ जाने। मैं आपसे कोई चीज छोड़ने नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ स्वरूप बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैन धर्म आगम में कितनी अच्छी चीज है। मेरा काम सिर्फ स्वरूप बताना है, उसको छोड़ना
नहीं छोड़ना, ग्रहण करना नहीं करना, ये आपके ऊपर है। ये कोई चीज मैं आपसे नहीं बोल रही, मैं सिर्फ स्वरूप बताना चाह रही हूँ कि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करने की आपके अंदर उत्कंठा है तो सम्यक दर्शन कैसा है, ये चीज मेरा बताना काम है, बाकी आगे का काम आपका है। तो इसी मंगल भावना के साथ जितने भी भव्य प्राणी हमारी ये बात सुन रहे समझ रहे हैं, सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति करें, जल्द से जल्द 3 भाव में, ज्यादा से ज्यादा 7 भाव में या 8 भाव में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें भी हो। इसी मंगल भावना के साथ वाणी को विराम देते हुए बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय जय, बहुत सुंदर डॉक्टर अर्चना जी, सम्यक दर्शन के आत्म स्वरूप को समझाना और जानना और अपने भीतर में उतारना, ये बहुत बड़ी कला है। आपने उसको समझा है कि आत्म स्वरूप को जानो तो सही, करना नहीं करना बाद की चेष्टा है, पर आपको पता कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से, और वाणी में इतना तेज और शांति दोनों चीज है, इतनी सरलता सरसता वाणी के अंदर में, बांधने की कला बहुत सुंदर है। पर उसको हमें नहीं देखना है, हमें देखना है उसके आत्म स्वरूप को कि उसमें क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिससे हम गलतियां करते चले जाते हैं, उसमें हम कैसे सुधार लाएं, उसको सोचना समझना और मनन करना, यही चीज अर्चना जी समझा रही है। मानना ना मानना आपका काम है, पर समझ में तो आना चाहिए, कम से कम सांसारिक प्राणी है, जैन कुल में हमने जन्म लिया है और फिर से हम जैन कुल में जन्म लेके स्त्री पर्याय को त्याग कर मनुष्य पर्याय में आके दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग के रास्ते में आगे बढ़े, तो उसके लिए यही रास्ता है, धीरे 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 एक एक दो दो चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़े, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो अर्चना जी, हमारे डॉक्टर अर्चना जी को बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे जो भव्य प्राणी 300 से अधिक जो बैठ के सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत अनुमोदना कि वो इसको जाने समझे और अपने जीवन में उतारें, इसी भावना के साथ में, क्योंकि समय अधिक होता जाता है, बोलने को बहुत कुछ रहता है पर ज्यादा नहीं। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का बहुत बहुत अभिवादन शुक्र गुजार जो जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, और उन लोगों को भी इसकी चर्चा जब भी करेंगे आप दोपहर में जब फोन करते हो बोलते हो अरे बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या, इसको छोड़ने से इतना फायदा होता है, तो ये चर्चा करने मात्र से ही भी आपका पुण्य का अतिशय बढ़ता चला जाता है। तो आप चर्चा भी करिए और बोलिए भी सबको यहाँ ज्वाइन करने के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र, और आज शाम को सम्यक वर्धिनी का प्रोग्राम आज ही है ना अर्चना जी? हाँ, आज ही है, आज 7 बजे। हाँ, आज 7:30 बजे से, बहुत ही सुंदर 3 दिन का सेशन है, कोई भी बजे से लगता है, 7 बजे से 3 दिन का सेशन है, सभी लोग आइएगा, छोड़िएगा नहीं, समय है तो जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा, और कुछ कार्य भी करते रहते हो तो कम से कम जूम तो ऑन कर लीजिएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता है आपको, कानों में शब्द पड़ेंगे तो भी बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये सत्य है, और सत्य को स्वीकार करना भी चाहिए। जूम को ऑन करने में कोई मुश्किल नहीं है, तो सभी जूम ऑन करके बैठे, और जो एकदम ध्यान से सुन सकते हैं उनकी तो बात ही क्या, उनका पुण्य अतिशय है जो पूरा बैठ के और उसको सुनते हैं। सबको फोन करके बोले क्या सेशन में आए, 3 दिन का सेशन है, आके ही देखिए कि क्या नई चीज आपको दी जा रही है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और पुण्योदय का अतिशय बढ़ा सकती है। सभी को जय जिनेन्द्र, हमारे विनय जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, सभी श्रावक लोगों को बहुत बहुत अनुमोदना, जय जिनेन्द्र। थैंक यू ललिता जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम लेते हैं, किसी को बोलना है नहीं तो भक्ति करें, या बोलना है किसी को तो उनको लेते हैं, किसी का हैंड रेज हो रहा है। सुनीता जी क्या बोल रहे हैं भाई? कभी सोचा ही नहीं था इतना आनंद आएगा। अच्छा आपकी चेहरे की खुशी बता रही कि आपको कितना आनंद आया है। बस आनंद को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। देखिए
इससे शब्द नहीं निकल रहे हैं, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि इनसे शब्द ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इतने उल्लास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, हाथ ऊपर उठा था उनका, मैंने गैलरी में देखा तो दिया। उनका गला भी भर के आ गया खुशी से, वो एकदम मालूम हो रही है। और उसमें 25 200 को जानना जरूरी था अपने जीवन में, 25 में से 5 भी उतार लो तो बहुत है, पूरा उतारो तो फिर कहना ही क्या है। सुबह अपने आप इतनी जल्दी जल्दी काम होते हैं, अपने आप आग खुलती है और अपने आप तैयार होके आ जाते हैं। देखिए सुनीदानी जी ने ज्यादा नहीं बोला, एक ही शब्द में बहुत अच्छी बात कह दी। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना आनंद आएगा, एक ही शब्द में उनके आंसू निकल आए। उनकी भक्ति, जो आंसू निकलते हैं वो ही सही भक्ति है, वो ही सच्चा आनंद है आपके अंदर। बहुत अच्छा सुनीता जी, थैंक यू। और बोलना है आपको कुछ? आज आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं, बोल ही नहीं पा रही। बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, ऊपर से ऊपर तक भर गई है एकदम से खुशी के मारे, कितना सुंदर हमको जिनवाणी का श्रवण करने को मिल रहा है, जो आज तक हम लोग विमुख थे। तो इसीलिए अर्चना जी हमेशा ही मैं आपको बोलती हूँ कि 10 मिनट हमेशा सेशन होना चाहिए जिनवाणी का, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। हम जानते गलतियां कर जाते हैं, पढ़ने से ज्यादा सुनने से आता है। चर्चा, जितनी चर्चा हम करते हैं उतना ज्यादा हमें समझ में आता है, चर्चा से विषय खुलते हैं। अकेले पढ़ने से उतना नहीं खुलता जितना चर्चा से विषय खुलते हैं हमारे धीरे धीरे। इतनी उत्कंठा होना जानने की अंदर से कि जिनवाणी मुझे सुनने मिल जाए, इतनी ललक, इतना भाव होना, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 मिनट ही क्यों ना हो लेकिन हमें जिनवाणी सुनना है, ये बहुत बड़ी बात है। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, ऐसा लगता है जब तक मैं आपसे बोल ना लूं ना मेरा दिन पूरा नहीं होगा। अच्छा। इतनी आदत पड़ गई है आपकी, दिन की शुरुआत और दिन का अंत भी आपसे बात करके आपकी क्लास से ही हो, यही मेरी भावना है। और मैं तो चाहती हूँ सबकी भावना ऐसी हो, शुद्ध भाव हो जाते हैं दीदी, सच में अंदर की कलुषिता धीरे 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 नष्ट हो रही है। किसी ना किसी दिन तो जरूर ऐसा लगता है मोक्ष पद मिल ही जाएगा आपके सानिध्य में। ललिता दीदी जय जिनेंद्र, आपसे कभी मौका नहीं मिला बात करने का, आपका भी बहुत साधुवाद। दीदी सर चली गई, सुंदर यहाँ सुन रही ना जिनवाणी, दोपहर में 10 मिनट सहेलियों के साथ में भी चर्चा, 5 मिनट भी करी। मैं दीदी कहीं बाहर निकलती ही नहीं, घर में ही रहती हूँ, लेकिन फोन पे जिन भी लोगों से बात होती है उनसे जरूर शेयर करती हूँ। मानो प्राणियों के अंगों को उनका वियोग किया हो, अन्य ऐसे करवाया हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चर्चा भी करिए, जोड़िए भी उन लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपका सेशन सुन रहे हैं, सम्यक दर्शन के पूरे अंग पता चल जाएंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और कल का तो लोक मूर्ता के ऊपर था, आज का जो हुआ गुरु का, तो आप तो ध्यान रखेंगे कि देखे ध्यान देंगे गुरु। और दीदी आप जो हीलिंग सुबह दे रहे हैं ना पम्प कैप्चर की, तो उसमें मेरी बेटी को मैं बैठा रही हूँ और पापा जी के पास भी एक फोन रख रही हूँ, उनको भी लंग्स का कफ वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उनके पास एक फोन रख रही हूँ। और मेरी बेटी है 25 साल से ज्यादा, नहा धोकर वो बैठती है, तो अभी बोल रही थी आज मुझे कि मम्मी 2-3 दिन से मुझे ये यहाँ पर है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है करके, उसको लंग्स की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी, तो बोल रही थी यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे, तो मैं बोली बेटा वो इसीलिए तेरी वो सब जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी, इसीलिए हो रही है। हाँ, वो तो वाइब्रेशन जरूरी है ना, वाइब्रेशन से चक्र क्लीन होंगे ना, उसके जैसे ही चक्र क्लीन होंगे तो लोग स्वस्थ होते चल जाएंगे।
अच्छा दीदी, मैं ना ये मतलब जैसे खुद से भी किसी को बोल सकती हूँ कि मैं आपको हीलिंग दे देती हूँ, मेरे जो पहचान। हाँ हाँ बोल सकते आपके सामने कोई दुखी आए और उनको हाँ। देख के आपका दिल पिघले और आप उनको इच्छा भाव व्यक्त करें कि हीलिंग दो, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे दो जन के लिए लग रहा है, एक दिन को सोरायसी थे, चाची जी है हमारे, चाची सास, तो उनको मैं फोन पे ऐसे मैं आज पूछने वाली हूँ क्या चाची जी आपको मैं हीलिंग दू क्या करके। ठीक है दे और आंटी करके एक है, उनको इसकी किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस चलता है उनका, तो डायलिसिस वाले को क्या हीलिंग दे सकती हूँ मैं? दे सकते ना, सबको दे सकते। नहीं उनको आपका तो नवंबर का कोर्स पूरा हो गया ना भाई, तब तो बताए थे हमने आपको। हाँ, देखना पड़ेगा कॉपी में। बार बार आप वो क्वेश्चन कर रहे हो, कल ही हमने बताया है शाम को आपको। कॉपी में देख लूंगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। आप देखिए आज आपने सम्यक दर्शन की तो रोज ही बता रही हैं, लेकिन आज जो आपने मेन बात बताई कि आप कम से कम इसको सुने और मन में गुने और जितना आप संभव हो सके उतना करें, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम इसको सुन लें और मन में हम उसको मनन करते हैं। जैसा कल आपने हमें बताया था कि मूर्ता के बारे में, कल हमने उसको देवी मूर्ता के बारे में उसका हमने मनन किया, बहुत ही कल तो पूरा मन जो है अंदर से उद्वेलित हो गया कि क्या चीज हम लोग करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उस पर कितना मनन करें उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। ये आपने आज बहुत बढ़िया बात बताई कि आप विचार जरूर करें, सुने विचार करें और जितना संभव हो उतना उस पर मनन करें, तो उसी के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे कि वही उसी पे मनन करना कितना हम लोग आगे कर सकते हैं और जितना संभव हो सके कर सकेंगे, और ये बिल्कुल उसका प्रयास करते रहेंगे क्योंकि यही हमारी सच्ची भावना रहेगी। और इसी बात के लिए हमने आज जो है ये जिनवानी माता के जो हम ये सब सुन रहे हैं, यही हमारी शायद सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी, श्रद्धा भाव, और इसी श्रद्धा भाव से हम लोग सभी लोग इसको मनन करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए सब अपने अपने हिसाब से शब्दों को पकड़ लेते हैं, जिसको जो लगता है उसमें से, 15-20 मिनट के सेशन में से जिसको जो समझ में आता वो उनके दिमाग में घर कर जाती वो चीज, उसको वो पकड़ के उस पर चिंतन मनन करे, जिसको जो चीज की जरूरत है, जिसे जो चीज लगती है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम तो सिर्फ स्वरूप समझाएंगे, हमने आज भी कहा कि हमारा काम सिर्फ स्वरूप समझाना है कि आगम में क्या कहा है, एक एक बात हमारी आगम की है, एक भी बात, एक भी शब्द मेरे कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आगम का है और मेरी गुरु मेरी माँ का है सब, ये जितनी भी चीजें मैं आपको परोसती हूँ ये सब मेरी माँ का है, मेरा कुछ नहीं है। ये जैसा ललिता दीदी ने कहा ना कि ये रोज ही 10 मिनट भी अगर हम लोग इसको स्वाध्याय करेंगे तो 10 मिनट आप हमें इसको सुनाती रहे, हम लोग कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे जितने लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, हो सकता है आप 100 बात बताएं तो किसी को एक आएगी, किसी की समझ में 2 आएगी, किसी की समझ में 3 आएगी, लेकिन एक जरूर आएगी कोई ना कोई, जरूर आएगी, एक तो जरूर आएंगे, एक का उद्धार भी जरूर होगा, एक का उद्धार भी निश्चित है, निश्चित है, खाली नहीं जाएगा, ये खाली नहीं जाने वाला है, निश्चित है कि एक का उद्धार भी होना ही, ज्यादा का हो सकता है लेकिन एक ना एक का पक्का उद्धार होगा। जो ललिता दीदी ने कहा है कि आप कम से कम 10 मिनट ये जरूर करें जिससे कि हम लोग जो है कम से कम इतने लाभान्वित जरूर होते रहे, यदि आप एक का भी सुधार हो जाता है तो आपका टारगेट सफल है, एक का भी हो जाता है लेकिन होगा निश्चित रूप से, क्योंकि 10 मिनट ये ज्ञान देना, दोष के बारे में तो पता ही नहीं था, चलिए पता ही नहीं था कि दोष, पहले दोष दूर करेंगे तभी हम सम्यक दर्शन के नियर हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो समझ में आ रही है। और जो आप सुबह को बताती है वो रात तक दिमाग में चलता रहता है कि क्या बताया था दीदी ने और क्या चीज वाकई में गलत है, ये चीज सही है, तो इस तरह से विश्लेषण एनालाइज होता रहता है दिमाग के अंदर, तो वो चीजें फिर अपने आप से धीरे धीरे उतरेंगी सब चीजें लाइफ में, और उतर रही है, मैं फील कर रही हूँ कि जीवन में हमारे आ रहा है वो चीजें, और पक्के से आएंगी क्योंकि आपकी बातें आगम के अनुसार है सब चीजें, और बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप जो भी सरल भाषा में, जिससे कि हर एक को पता लग रहा है, यदि गूढ़ भाषा होगी तो समझ में नहीं आएगा, आप बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे से
हंस के मुस्कुराकर ऐसे बताती हैं आपकी मन अंदर उतर जाती है चीजें दीदी, बहुत अच्छे से बताती हैं आप। और ये 10 मिनट का ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है, 10 मिनट में आप बहुत चीजें पता लग जाती हैं, 10-15 मिनट में, और ये चीज चलती रहे तो ये बहुत अच्छा है दीदी। कोई जरूरी नहीं घंटों हमें करने की, 10 मिनट काफी है। देखो स्वाध्याय के मैंने कल भी बताई थी स्वाध्याय के में, वांछना कृंचना, पढ़ना पूछना सुनना उसको मनन करना, और फिर हमें कोई चीज आ भी गई तो उसको छुपाना नहीं, उस पर चर्चा करना। कैसी चर्चा करना, हम मंदिर से सुन के आए स्वाध्याय, आज भी महाराज जी ने ऐसा ऐसा बताया। अब घर में भोजन बनाते बनाते वो चर्चा करो अपने सास से, बहू से, पति से, बच्चों से, ये पूछना है, एक दूसरे से पूछो। अभी हम सेशन के बाद जो चर्चा कर रहे हैं ये सब पूछना स्वाध्याय में आता है। पहले तो हमने वांछना कर ली, अब ये हमारा पूछना स्वाध्याय का दूसरा भेद शुरू है। ये हमको नहीं पता रहता हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये स्वाध्याय का दूसरा भेद है पूछना, वो चर्चा हमारी जो चल रही है। ये पहले हमने वांछना की, स्वाध्याय का हमने वांछन किया, अब उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसा है, कैसा लगा, क्या करना चाहिए। तो ये सब स्वाध्याय के भेद है जो चल रहा है, ये भी एक स्वाध्याय ही है। तो बहुत अच्छी बात रेखा जी भाई साहब आपने कहा, बहुत 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 धन्यवाद, शब्द ही नहीं मिलते कि धन्यवाद किस तरह से करें। बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही हैं जीवन में सुनने के लिए, बहुत ही कभी सोचा भी नहीं था ये सब चीजें ऐसी लाइफ में मिल जाएंगी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर ये सब चीजें दीदी के लाइफ में आएंगी और इस तरह अच्छी अच्छी चीजें बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए कभी भी आप देखोगे 2-4-10 लोग मिलेंगे स्वाध्याय में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 300 से ऊपर, 350-350 लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। ये हमारे पूर्व के ही पुण्य कर्म है, जब कभी हमने इतने लोगों ने बैठ के स्वाध्याय किया होगा जो आज फिर कर रहे हैं, उसको धागम की भाषा में अर्ध कुद्गल परावर्तन कहते हैं। अर्ध कुद्गल परावर्तन कोटि कोटि वर्षों का होता है, उसके बाद ऐसा एक समय आता है जहां ऐसे एक साथ इतने लोग वापस बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि हमने पूर्व में भी इतने ही लोगों ने बैठ के जरूर स्वाध्याय कभी किया है। तो बहुत अच्छा, चलिए हम लेते हैं अब नेक्स्ट निधि जी, निधि गुप्ता क्या कह रहे हैं। निधि जी रेज हैंड है, दिख नहीं रही। निधि, निधि जी आपका आवाज नहीं आ रहा। सुधा सुराना जी को लेते हैं। हाँ हाँ सुधा। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप मेरी उत्कंठा देखिए, रात को 2 बजे मुझे प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हुआ, बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ, आदिनाथ भगवान की आप सबकी कृपा से मिला मुझे 11:30 बजे 2 बजे हुआ। और मुझे सुबह से यही था कि मुझे 7 बजे जल्दी उठ के आपका सेशन अटेंड करना है। मैं हड़बड़ा के उठी, बेटे को बोला जल्दी से मुझे गर्म पानी से कुल्ला करवा दे, और मैं तब से आपकी हीलिंग ली और अब मैं ये सेशन अटेंड किया। और 24 प्रकार के आपके जो मैंने अभी वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह, हाँ, जो मैंने सुने उसमें से मैंने, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्रोध मान माया ये सब है मेरे में, बहुत पिपाशा रहती है, मैं स्वाध्यायी बनना चाहती हूँ। और बस अब यही है कि थोड़ा जल्दी से रिकवर होके फिर से धर्म की राह पे चलूं। बस 48 घंटे हैं, अगर ये ट्रांसफ्यूजन थोड़ा सेटल हो जाएगा then I will be recover fast. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हीलिंग दे रहे हैं आपको। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूणा, सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा, तत्पाद पंकज
रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर भज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांति कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं रमणमो अखिल वाणशनम जुम जुम नमः स्वाहा। न संकदाचिदुपयाशीन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद्रगन्ति। नमो धरो धरणी रुद्र महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमिउण अट्ठे मठे शुद्ध विघटे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां जुम जुम नमः स्वाहा। पम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की। बहुत बहुत अनुमोदना अर्चना जी, बहुत बहुत आभार हृदय से अंतस्थल से अनुमोदना आपकी, खूब खूब साधुवाद। आप जो कर रही है अमेजिंग अमेजिंग, हमें भी वो पावर दीजिए कि हम भी ये सब कर सकें, संसार में विश्व शांति की और सबके भले के लिए कुछ कर सकें, आपकी शिष्य बन सकूं, बस यही अभिलाषा है। बहुत अच्छा, आप जरूर बनेंगे, जरूर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाओगे जो आपको पता नहीं चलेगा। आप जल्दी से ठीक होके घर आइए और शांति की लहरें सबके साथ बिखेरिए। जी हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि शायद और कोई किसी का टाइम मैं आपसे चुरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है कि मैं भी प्रश्न पूछूं, मैं भी प्रश्न पूछूं। शायद आवाज आपकी चली गई अजीत जी, अनम्यूट अनम्यूट करिए। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दीदी। हाँ। प्रसंग ही इस तरह का है कि थोड़ा सा रहा नहीं गया। जो आपने बताया, अभी तक हम ये सोचते थे कि साधु साधु सब एक हैं और साधु आए हैं तो सबका वो करना ही है, उनके गुण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो अंतर की बातें बताई है, अंदर की बातें बताई है, 10 प्रकार के परिग्रह और 24 प्रकार 14 प्रकार के अंतरंग जो परिग्रह रहित जो साधु है, सहित जो साधु हैं, उनका हमको श्रद्धा नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम कैसे पहचाने कि ये साधु किस तरह का है, ये भी एक विडंबना आती है दीदी। और अब हम तो यही सोचते हैं कि ये साधु हैं, सब अच्छी बात है, हमसे बहुत ज्यादा गुणों में वो हैं, प्रवीण हैं। लेकिन कुछ इस तरह के जो चीजें बाद में सामने आती हैं, जिनका थोड़ा सा हमको बाद में होता है कि वास्तव में परिग्रही साधु है, इनको नहीं करना चाहिए, तो बारे में कभी विडंबना हो जाती है। इसका एक बार आप मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से हमको सच्चे साधु की पहचान करनी चाहिए और हमें उनको किस तरह से हमारा व्यवहार रहना चाहिए कि ताकि हमारे धर्म की भी अवमानना न हो और सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवमानना न हो और साधुओं के स्वरूप की भी हम अवमानना नहीं कर सके। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहूंगा कि किस तरह से हम पहचान कर पाए। बात कड़वी है पर मैं बोल देती हूँ, आप पूछ रहे हैं तो सबको ध्यान में रखते हुए बोलना पड़ता है। देखिए 24 प्रकार के जो आज हमने आपको भेद समझा अंतरंग बहिरंग, वो ही आपको देखना है। आजकल कई लोग मोबाइल आदि रख लेते हैं, एसी में रहते हैं, फैन शुरू कर देते जहाँ वायु का एक जीव की घात होता है। हमें ये सारी चीजें देखना चाहिए और उसके बाद ही दर्शन आदि जो भी है अब आगे आप समझ सकते हो।
दर्शन आदि हमें करना चाहिए कि ये सब परिग्रह में आ गया। साधु ने क्या है सारी चीजें छोड़ दी, इतनी कठिन तपस्या, हाथ में पीछे कंडल कमंडल है, इतनी कठिन तपस्या, एक बार आहारचर्या कर रहे, फिर ये छोटे मोटे परिग्रह क्यों, छोटे मोटे मोबाइल आदि ये सब परिग्रह क्यों? तो ये ध्यान में रखिए कि परिग्रह ना हो उनके पास किसी भी प्रकार का, पांच इंद्रियों के विषय की कोई लंपटता ना हो, पांच इंद्रियों के विषय की भी किसी प्रकार की कोई लंपटता ना हो, 14 प्रकार के कोई भी परिग्रह आज हमने जो अंतरंग बहिरंग दोनों से बताया है आपको, उसमें से किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह उनके पास ना हो, उनके मात्र तीन उपकरण संयम के, तीन उपकरण उनके पास रहना चाहिए। संयम के तीन उपकरण क्या है, शास्त्र, पीछी और कमंडल, ये तीन चीज की मात्र उन्हें छूट दी गई है, शास्त्र का ज्ञान और पीछी जीवों की रक्षा के लिए और कमंडल शुद्धिकरण के लिए, तो ये तीन चीजें उनके पास होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज रहती है तो वो सारी चीजें परिग्रह में आती है, विषय वासना में, हिंसा में आती है वो सारी चीजें। इतना मैं कह सकती हूँ, इतना आप ध्यान रख के ही कार्य करें। ठीक है अजीत जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा गाइड किया, तो इसका ध्यान रख के ही हम थोड़ा व्यवहार करेंगे ताकि साधु की भी अवमानना नहीं हो, उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हम गलत बोल रहे हैं और हम गुणवाणी का और सच्चे देव शास्त्रों का सम्मान करें, आदर करें, ऐसा हमारा अभी भावना रहती है। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिने, जय जिने। थैंक यू। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। प्रतिक्रमण करवाएंगे क्या अजीत जी आप? बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की। हे अरियंत प्रभु, मुझ से इस भाव में या पर भाव में किसी भी प्रकार से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई हो, उनका घात हुआ हो, उनकी अवमानना हुई हो, उनका छेदन भेदन अवगाहन हुआ हो, मैं उन सभी से बारंबार बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें और मुझे अपने बंधन से मुक्त करें। प्रभु तीन लोक त्रिकाल में विराजमान पंच परमेष्ठी भगवान के समस्त जिन बिंबों को मैं बारंबार 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 नमस्कार वंदामी चरण वंदामी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जगत में जितने भी 3.9 करोड़ साधु विराजमान हैं उनको सबको मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। मैं राग द्वेष मान मर्जन लोभ माया के लिए सबसे प्रायश्चित करता हूँ कि ये मेरी इसमें निरंतर कमी होती रहे, कमी होती रहे और शुद्ध आत्मा की ओर मेरा ध्यान बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को अर्जन कर पाऊं, ऐसी मेरी भावना है। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सच्चे मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए मेरा उत्साहवर्धन करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे आज के हमारे स्वाध्याय में, पूरे सेशन में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने सुनाने में, समझने समझाने में, शब्द अक्षर काना मात्रा किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र की असाधना हुई हो तो हमें क्षमा करें। और आज का यह नया दिवस मंगलमय दिवस है प्रभु आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्यो हम, दोनों हाथों को ऊपर, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दोनों हाथों का दर्शन करें, थोड़ी देर आंखों पे रखें,
पूरे शरीर में स्पर्श करें, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शांति शांति शांति, ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। हम सेशन को एंड करते हैं, सबको जय जिनेन्द्र।